तो गाइस सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। मतलब बहुत टाइम से हुआ है कि मेरा जो लाइटिंग सेटअप है जो इसका अपग्रेड करना था, क्योंकि ये जो रिंग लाइट जो है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 to 5 आवर्स, क्या होता है कि ये दोनों रिंग लाइट ना आंखों में दर्द हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेड एक होता है और हम स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, एज यूजुअल द बेस्ट रिजल्ट एल्गाटो मिला। एल्गाटो को एक प्रोडक्ट है की लाइट एयर, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया आई यूज़ दिस प्रोडक्ट। थैंक्स टू एल्गाटो फॉर सेंडिंग मी दिस ब्यूटीफुल एल्गाटो की लाइट एयर। तो अभी इसका हम अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद इसका सेटअप वेटअप बनाएंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि हमारा नॉर्मल रिंग लाइट में कैसा दिखता है और एल्गाटो की लाइट में कैसे दिखता है। तो चलो गाइस चलते हैं, ठीक है, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो गाइस इसका बॉक्सिंग कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो इनका डिफरेंट फीचर्स। एंड ऑल्सो इसमें इट्स अ वाईफाई एनेबल्ड, मतलब अगर आपके मोबाइल में एक ऐप आता है जिसके वजह से आप यू कैन कंट्रोल द एंटायर एल्गाटो की लाइट एयर यूजिंग योर फोन। सो लेट्स अनबॉक दिस क्विकली, इसको अभी निकालते हमारा CSGO नाइफ, लेट्स गो। काफी अच्छा बॉक्सिंग है यार। करेंगे ये, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और एक चीज आता है ये बहुत बड़ा मैनुअल जो तुम लोग पढ़ सकते हो कैसे इंस्टॉल करने का और कैसे फिटिंग विटिंग करने का, ठीक है, इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। लेट्स ओपन दिस। एक एडाप्टर आता है, सो ऑब्वियसली टू फॉर द पावर सप्लाई। वी गेट लॉट ऑफ अदर क्लिप्स, अगर तुम लोग का इंडिया है ना तो ये वाले यूज़ कर सकते हो, बाकी सब EU NA वाला क्लिप आता है। उसके बाद एक होल्डर आता है, इसको भी साइड में रखेंगे हम, ठीक है। बाकी क्या है देखते हैं, बाकी सब क्लिप। एक और मैनुअल बुक आता है, इसको हम साइड में रखेंगे। इसके बाद दो की लाइट, वी माइट नीड ऑल दिस। बाकी सब ये क्लिप्स है, इसको मैं साइड में रखूँगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है ये और ये, ठीक है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब देखते हैं ये क्या है। देखिए ये वो लाइट है जो आप देख सकते हो, इसका सरफेस देख सकते हो पूरा वाइट, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसका। यू कैन सी इसमें क्या क्या बटन आते हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार। ये रीसेट बटन है, उसके बाद ये पावर बटन जो केबल हमको कनेक्ट करना है, ये शायद वो कनेक्शन होगा इसका, ये ऑन ऑफ बटन, और बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद क्या आता है देखते हैं। यार काफ़ी हैवी है यार ये, क्या है देखते हैं। या दिस इज द बेस वेर यू कैन यू शुड माउंट द एल्गाटो की लाइट। यार काफ़ी भारी है यार, कम से कम 1 kg तो होगा। इसके बाद ये उसका माउंट है शायद, या यस, सो यू नीड टू कनेक्ट दिस टू द बेस दैट आई जस्ट शोड। ये एडजस्टेबल है तो हाइट तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो हाँ बस उसके बाद कुछ और है ही नहीं इसमें, इसको साइड में रखते हैं। तो बेसिकली हमको अभी चाहिए ये और यकीन। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल से मसला है। अभी हम इसको असेंबल करेंगे बराबर। तो गाइस अनबॉक्सिंग तो हो चुका है, अभी हम इसको असेंबल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेस। सो अब इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ जो, हाँ, तो इसके बाद ये जो मैंने अभी दिखाया अनबॉक्सिंग में, ये वाला इसको कनेक्ट करना पड़ता है इधर। काफ़ी टाइट करना है इसको वरना मसला हो जाएगा, ठीक है। तो बेस इज डन, जिसके आप देख सकते हो। इसके बाद ये, तो इसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो शायद हमें ये वाला इसको फिट करना पड़ेगा। यार एक बार मैनुअल देख लिया ना तो इजी रे, कुछ ज़्यादा मसला नहीं है इसमें। बराबर हो गया, दिख रहा है, सिंपल।
हमें ये फिट करना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है ना, जिसकी वजह से हम वो कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है यार, इतना लूज करना पड़ता है कि शायद, हाँ इसको साथ में ऐसे कनेक्ट करते हैं। यार एक बार सीख लिया ना तो फ्रो अभी। अभी हम कनेक्ट करेंगे ये, तो यार अभी रुको एक मिनट, इसको निकालना पड़ेगा शायद, एक मिनट इसको हल्के से निकालते हैं। कभी कभी होता है, पहले इसको इसके पीछे डालते हैं, काफ़ी टाइट है अभी, इसको साइड में रखते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे इधर ऐसे डाल के। एडिटर कट दीजा। ठीक है अभी इसको कनेक्ट करेंगे, कितनी बार गिरेगा भाई। इसको ऐसे डालेंगे, ठीक है अभी इसको सीधा कनेक्ट करेंगे यहाँ से। अब स्लोली, एक और बंदा अगर होता ना तो इजी हो जाता, ऐसे पकड़ना है और ऐसे टर्न करना है इसको। रुको इसको हम नीचे रखेंगे पहले, उसके बाद इजी हो जाएगा। अभी कर दिया है, सो फाइनली द सेटअप इज डन। बहुत इजी था, बस अगर किसी और का हेल्प हो होता तो इजी हो जाता है। यहाँ पे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे अब देख सकते हो ना, ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम, तो कोई मसला नहीं है। ये हो गया सेटअप, अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है मेरे पास दो भेजा है इन लोगों ने, एलगाटो ने, थैंक्स टू देम। तो एक इधर डालूंगा, एक लेफ्ट डालूंगा, एक राइट डालूंगा। ये दो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइट बराबर आता है दो लेने से। तो अभी मैं इंस्टॉल करूंगा इसको और इसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे ये विद द एलगाटो की लाइट एंड द नॉर्मल रिंग लाइट्स। ठीक है तो गाइस अभी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, दोनों इंस्टॉलेशन सब डन है, दोनों मैं मोबाइल में सिंक भी किया हूँ। तो अभी अभी जो लाइटिंग दिख रहा है, ये जो लाइट दिख रहा है ये मेरा नॉर्मल रिंग लाइट है। अभी तुम लोगों को मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, ये वाला भी नॉर्मल रिंग लाइट है, अब तुम लोगों को मैं एलगाटो का लाइट दिखाता हूँ। तो गाइस अभी सब कुछ ऑफ है, तो अभी मैं मेरे मोबाइल में इसको ऑलरेडी सिंक किया हूँ, जैसे कि आप देख सकते ऐप लुक समथिंग लाइक दिस। इट्स सपोर्टेड इन एंड्रॉयड एज वेल एज इन iOS। सो अभी ये कंट्रोल सेंटर से मैं इसको ऑन करूँगा, कैसा है गाइस? एकदम से अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका जो लाइट है सीधा मेरे आंखों में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे जो पुराना वाला जो लाइट था रिंग लाइट वो सीधा मेरे आंखों में आ रहा था, जिसके वजह से यू नो आई यूज़ टू गेट अ लॉट ऑफ हेडेक। तो इसको मैंने एक साइड में रखा है, दूसरा एक और साइड में रखा है। एंड ऑल्सो यू कैन कंट्रोल द लाइट यूजिंग दिस ऐप, यू कैन सी हेयर। अगर तुम लोग को कुछ ज़्यादा लगता है कि लाइट, फिर तुम लोग यहाँ पे ऐसे डिम कर सकते हो। अभी मैं दोनों का डिम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, पूरा डिम भी कर सकते हो। अगर लेट नाइट गेमिंग हो रहा है तो पूरा डिम करके ऐसे, इफ़ यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर, वो पूरा ब्राउन होता है विच इज़ यू नो ऑल्सो गुड फॉर आइस। दोनों ऐसे फुल रेड हो जाते हैं, तो मैं काफ़ी ऐसे नॉर्मली रखता हूँ, यूजुअली इतना मैं रखता हूँ। तो दैट्स इट गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार, और इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट दैट्स अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।